नमस्कार दोस्तों, जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने है LDC 12 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है LDC का, उसका जो फर्स्ट बारी का जो पेपर हुआ था उसका पेपर। तो मैं आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के मैथ्स के क्वेश्चन आप मैं PDF की लिंक दे दूँगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरी बात इनकी आंसर की कि मैं अलग से PDF बना के डाल दूँगा, क्योंकि इतना जल्दी हो नहीं सकता सारा कुछ। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूं, क्वेश्चन पेपर बहुत ही लेवल का था, अच्छा पेपर था। और एक RS GK और साइंस की बात करी जाए तो एक RS की तरफ क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, और मैथ भी ठीक ठाक थी। बाकी की जो साइंस के बच्चे हैं और जो BTech वाले हैं उनके लिए मैथ सरल था, बाकी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो चलिए अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो सकता है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। और वीडियो को प्लीज़ यार दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए पहला है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा दूसरा है, कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। और तीसरा, एक वैश्विक पता जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है, किसको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। और फिर अपना नेक्स्ट आता है पाँचवा क्वेश्चन है, गगन का पूर्ण प्रपत्र है। और छठवा क्वेश्चन, पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और सातवां है, उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह का नाम क्या है। आगे IRS श्रृंखला उपग्रह खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। नौवां क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित और दृष्टि धारा जनित में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। दसवां क्वेश्चन, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को एक सूक्ष्म छिद्र में से पढ़ सकता है, क्योंकि सूक्ष्म छिद्र से देखने पर यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। एक 2 कूलम आवेश को 10 कूलम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। दूसरा, प्रकाश की एक किरण प्रत्यावर्ती समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। और एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके उपरांत लेंस से 16 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। दोनों की स्थितियों में वस्तुओं के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। और एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के हर आधे चक्कर में, एक चक्कर में, दो चक्कर में, एक चौथाई में, तो ये सब बताना है। देखिए साइंस भी अपने लेवल का अच्छा है, ये जो कोई जनरल साइंस है जिस तरीके से आप पढ़ते हो, रट्टा मारने वाले जो, बुरा मत मानो, रट्टा लगाने वाले जो हैं उनके लिए ये साइंस के क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बिल्कुल न्यूमेरिकल तरीके से, और जो जिसने समझ के साइंस को पढ़ा है वो सिर्फ वही कर सकता है। तो मैं आपको देखिए धीरे धीरे चला देता हूँ वीडियो को, मैं नहीं चाहता कि आपका भी ज़्यादा समय बर्बाद हो, मैं धीरे धीरे आपको कर देता हूँ साइंस के, आपको पूरे बता देता हूँ एक बार। क्वेश्चन GK के मैं बता दूंगा, साइंस के आप देख लीजिएगा, और नीचे मैं आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को। और साथ ही साथ अगर कोशिश रही तो मैं आंसर की भी आपको उपलब्ध करा दूंगा बहुत ही जल्द। देखिए 25वां 26वां इधर 21वां और 22वां क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप आराम से। और फिर आगे चलते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है। एक क्षतिज विकसित मोटा गुदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल को कहलाता है। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेत कहलाते हैं। DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन सहायक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर। तो ये देखिए RH रोग के क्या लक्षण हैं। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, GMO है। कौन सा उदाहरण थर्मोस्टिंग बहुलक का है। ये देखिए, क्षार विद्युतों, क्षार धातुओं के अमोनियम में विलयन के लिए उनमें से कौन सा कथन असत्य है। और कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र
प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है। और अब देखिए ये जी के आ गई, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रुस्वती नदी के घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित है। और शीशे सस्ते का इश्क कौन सा नहीं है निम्न में से, यदि के भूगर्भ जल सर्वेक्षण 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया। और फिर अगला, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है। निम्न पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य उत्पाद है। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। तो देखिए ये भारत में सांख्यिकी एब्स्ट्रैक्ट 2007 के अनुसार भारत के कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग पर वन पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल आईकाइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। पिंक वॉलवर्म, मैं आपको बता दूं कि आंकड़े ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो चाहे वो जीके से रिलेटेड हो, सबके आंकड़े ज़्यादा पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों के आंकड़े बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप एक तो जो आर्थिकी से संबंधित आपको वीडियो आप देख लेना, आर्थिकी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेना, और एक करंट जी के आप पढ़ते रहिएगा। करंट जी के बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। कथा किस वृक्ष से निकाला जाता है। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक के लिए निम्न में से किसे आधार वर्ष माना जाता है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों को कार्य कर रहा है। निम्न में से किस केस में अभी का कवच बीमा योजना प्रारंभ की गई। और केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य के विद्युत बोर्ड को 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है। और 71वां देखिए, दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 में निम्न में से कौन सा मानक ऑटोमोबाइल के लिए लागू हुआ। और भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय रोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने ऋण प्रदान करती है। और अगला है, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। भारतीय मिशन आदित्य L1 का संबंध निम्न में से किससे है। भारत की पहली जैव मिथेन आधारित बस को किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। और भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। और आगे, राजस्थान देश में एकमात्र खनिज में किन किन खनिजों ये सम्मिलित दिए गए हैं, जोड़ा दिए गए हैं खनिजों के, तो इनमें बताना कि कौन कौन से खनिज में एकमात्र उत्पादक राज्य है। और जयपुर का परंपरागत शिल्प क्या है। और किस राज्य जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या है। तो देखिए ये सब दे रखा है। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया। और समन्वित जल विकास ग्रहण जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया। और सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो ये आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। और फिर उसके बाद में आपका आता है 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित उत्पादन। और राजस्थान में भामाशाही योजना कब लागू की गई। महाराजा श्री उम्मीद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। और आगे देखिए, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। और ये नृत्य दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना है। और राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। आगे, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। और निम्न से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव वंश से संबंधित है। आगे, झेला झमेला पीपल पन्ना अगोटा किस अंग के आभूषण है। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। और भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ। और कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा। और आपका जीके का लास्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके साइंस और जीके के क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। करंट जीके में ज़्यादातर मैटर आ रहा है, और करंट जीके में आर्थिकी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आर्थिकी से संबंधित और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
साइंस का मैंने आपको बता ही दिया, साइंस का मैं आपको बता दूं, देखिए विद्युत और लेंस वगैरह, फोकस दूरी वगैरह और एक विद्युत धारा वगैरह, इनके न्यूमेरिकल सवाल समझने वाले जो टॉपिक हैं उनको करिए आप, रटने से कोई काम नहीं चलेगा। और अभी बहुत टाइम है जिन भाइयों को सितंबर में एग्ज़ाम है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वो मिलने वाला है, अब उनके लिए टाइम मिल जाएगा। और ये आप मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ के मैं आपको पढ़ा के तो बता नहीं सकता कि बोल के बता दूं, तो आप मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, आप देखते जाइएगा और नीचे मैं PDF लिंक दे दूँगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं 18 किलोमीटर दूर गया इस आपको ये एग्ज़ाम पहुंचाने की वजह से, कि आपको जल्दी से जल्द एग्ज़ाम मिले, आप पेपर मिले, आप देख सकें कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पूछे जा रहे। और ये देखिए इसमें भी मैथ में आपको बता दूँ ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा पूछी गई है, तो आप ट्रिगोनोमेट्री पे और घन घनाभ वगैरह और ये त्रिभुज वगैरह इन पे ज़्यादा ध्यान दें और बहुत ही अच्छा पेपर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और अंकगणित पर आप इतना ध्यान नहीं दीजिए, अंकगणित के प्रतिशत और लाभ हानि वगैरह के एक दो तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, मैं नीचे वो दे दूँगा, लिंक दे दूँगा PDF डाउनलोड करने की, आप वहाँ जाके आराम से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी मेरी मेहनत पर आपको लगा हो कि हाँ मेरी मैंने कुछ आपके लिए कुछ किया है, मेहनत की है, तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे आपको ये कैसा लगा, और ये सब देख के प्लीज़ यार दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।